हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, ये साइकिल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो कितने शार्प हो गए हैं इसके जो फ्रंट वाले, इसके जो टीथ हैं चेन रिंग के, इतने ज्यादा शार्प। ये न्यू है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखो आप, जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो इतने ज्यादा शार्प होने के बाद क्या होता है, स्लिप करनी शुरू हो जाती है चेन। आपकी जो चेन है वो भी लंबी हो गई, ठीक है, स्ट्रेच हो गई, लूज हो गई। और उसने अगर आप वो चेन को ऐसे चलाओगे तो ये हालत हो जाएगी आपकी क्रैंक की। और ये वाला क्रैंक भी लगभग 3500 या 4000 के आसपास है। तो अगर अच्छा साइकिल है तो बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। तो टाइम से ये सस्ती चेन, ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं होती। चेन भी चेंज करनी चाहिए। और आप ये देख सकते हो, ये भी देखो, ये भी कितने ज्यादा तीखे हो गए हैं। अब ये जो बंदे का साइकिल है, इसने 6 वाला गियर सबसे ज्यादा चलाया है, तो 6 वाला बहुत ज्यादा घिस चुका है। तो ज्यादा वो गियर उसने चेंज नहीं किया, लगभग एक ही गियर पे चलाता रहा। इसलिए ये वाला और चेन का ये वाला गियर इतना ज्यादा वेयर आउट हो गया। अब खुद अंदाजा लगा सकते हो, ये न्यू है और वो ओल्ड है, देखो कितना फर्क है। अब खूब पैसा खर्चना पड़ेगा इसको सही करने के लिए साइकिल को। साइकिल बहुत मस्त है। अब ये वाला मॉडल आता नहीं बीट्वीन का, ये देखो, पहले स्मॉल लेटर्स में होता था बीट्वीन का नाम। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितना पुराना मॉडल है, ओरिजिनल 7। इसमें आगे सस्पेंशन होती थी, इसमें पीछे सस्पेंशन होती थी। ये सस्पेंशन का स्पेशल एक कवर आता था, ठीक है, और ये फ्रेम के बीच में ऐसे लगी है सस्पेंशन। और इसमें सुपर कंफर्टेबल जेल वाली सीट है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, बिल्कुल ही कंफर्टेबल साइकिल था ये। यानी मजा आता था, ये साइकिल की फीलिंग ही अलग थी। स्पीड तो नहीं मिलनी इसमें, क्योंकि टायर इसमें मोटे होते हैं, हाइब्रिड साइकिल इसको बोल सकते हैं हम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।